आगे जा जाए, कपड़े आ जाए, सब गोल गोल घूम जाते हैं। भैया इन बच्चों को कोई चुप करो, देखो बच्चे आए हैं, अच्छी बात है। गीता जी की बहन नहीं है आज टीचर, मोंटेसरी की टीचर कम है। जो भी आप में से टीचर है खड़ी हो जाइए, ये बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। इन्हें जरा राधे राधे बोलिए, यही बैठ जाओ बीचों बीच में, आप बीचों बीच में स्थान लीजिए, बीच में बैठिए। हाँ बीच में बैठिए, नहीं बैठ जाएंगे तो फिर कोई सेवा तो करो। बोलो राधे राधे। अरे बच्चों को तो कहानियां बहुत अच्छी लगती है, कन्हैया की कहानी सुना रहा हूं और राक्षस वाली सुना रहा हूं, फिर भी नहीं सुन रहे उन लोग, फिर आपकी कथा छूट जाएगी। आज की कथा तो बच्चों के लिए है, बड़े के लिए नहीं है जितनी बच्चों के लिए, इसलिए ध्यान से सुनो। भगवान जी ने पहले पूतना को मारा, फिर तृणा शक्टासुर को मारा, और अब तीसरा नंबर है तृणा व्रत का। तृण कहते हैं तिनके को, आवट माने गोला, खेतों में जो आंधी के समय में गोला चलता है, ऐसा राक्षस आया और आंगन में कन्हैया को उठा करके ले गया, उड़ गया। कन्हैया ने देखा कि हमको हमारे गोकुल से मथुरा की ओर ले जा रहा है, यह सब कन्हैया ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह राक्षस की गर्दन पकड़ी और वहीं उसको गोविंदाय नमो नमः कर दिया। क्या कर दिया बोलो बोलो, वाह ये मंत्र भी है, रोजाना इतने बोलो इतने भी उद्धार हो जाएगा। बोलो गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आप लोग बोल के दिखाइए, सुबह नहा धो के बोल लोगे उठ करके, ये मंत्र भी हो गया। तो भगवान के हाथों से कोई मरता नहीं है बल्कि तर जाता है, वो तरता है मरता नहीं। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। बोलो बोलो, गाये से भजन को सुनेंगे। आपको ताली की आवाज चाहिए, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो। तारा है अरे तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने मीरा जी को तारा, हमने सुना है तुमने मीरा जी को तारा, मीरा को तारा प्रभु, मीरा को तारा, मीरा को तारा प्रभु, मीरा को तारा। मीरा को कैसे तारा? उसकी सासू ने जहर दिया था और भगवान ने जहर को अमृत बना दिया। अरे अमृत का करके बहाना शाम हमको भी तारो, अमृत का करके बहाना शाम हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तुमने अर्जुन को
अर्जुन को तारा श्याम तारथ को तारा अर्जुन को तारा श्याम तारथ को तारा गीता का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको और किसको तारा हमने सुना है तुमने शबरी को तारा हमने सुना है तुमने शबरी को तारा बेरों का करके मैया बेरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो बेरों का करके बहाना दोनों करके श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोविंद भगवान की जय। ये चौथे नंबर के लिए निकालते बिजली वाले कुछ ज्यादा नहीं कमाल कर रहे पैसेंजर गाड़ी बन गई आज भी थोड़ी दूर पे रुक जाती है लेकिन चलो ऐसे भी आती रही जाती रही गांव में इतना भी बहुत है गांव की कथा है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने जितने भी राक्षसों को मारा तो मारा शब्द बदल दो क्या लगाओगे इतने असुरों को भगवान ने तारा बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान की उमरिया हो गई एक वर्ष कितने साल के हो गए लेकिन मथुरा में जो भगवान के जन्मदाता माता पिता हैं देवकी और वसुदेव जी तो देवकी मैया बोली स्वामी अभी तक गोकुल से कोई खुशखबरी का समाचार नहीं हुआ न नामकरण की सूचना है तो क्या चाहती हैं आप देवी बोले अपने जो गुरु जी हैं गर्गाचार्य जी उनको भेजो वे हमारे लालाओं के नाम रखें तो गर्गाचार्य जी को नाम रखने के लिए भेजा गया। हमारे वृंदावन में आज भी संतों का बहुत सम्मान है जो भी आपके दरवाजे पे संत भक्त साधु आए तो उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी ने आकर के दोनों बालकों के नाम रखे गोरे गोरे दाऊ जी का नाम रखा बलराम और सांवले का नाम क्या रखा श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण बलराम की। अब भगवान अपने आंगन में घुटवन घुटवन खेलने लगे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया जैसे राम जी अपने आंगन में खेलते ना ऐसे मैया यशोदा सुबह ही लाला कन्हैया को श्रृंगार कर रहे हैं कंगन पहनाए हैं अंगूठी पहनाए हैं हार पहनाए हैं और पांव में पैजनिया पहनाए हैं और कन्हैया घुटवन घुटवन आंगन में खेले कभी तो कन्हैया की जो दूध है थन उसको पीने लगते हैं गैया खड़ी है उसके पैर पकड़ के धीरे धीरे खड़े हो गए और वही मुंह लगा देता है कैसी सुंदर झांकी बोले बाल कृष्ण लाल की। और इतने नटखट है कन्हैया संसार में दो स्वभाव वाले बालक होते हैं एक तो राम जी के स्वभाव वाला होता है और एक कन्हैया के स्वभाव वाला जो राम जी के स्वभाव वाला बालक होता है सीधा साधा होता है और जो कन्हैया के स्वभाव वाले थे हमारे टेढ़े होते हैं हाँ उधम मचा देते हैं ऐसे बच्चे बहुत सारे हमारे कमरे में आते हैं उन्हें कितना कहते हो जाओ अभी थोड़ा पढ़ाई करने दो गुरु जी हमें ये बनाई है वो बनाई बोलो राधे राधे। तो भगवान
कभी तो चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को ऐसे घुमाने लगते फूल जड़ी की तरह। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नामकरण हुआ, भगवान नटखट लीलाएं कर रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं। कभी कभी मैया जब जब कन्हैया को कष्ट आए, संकट आते थे, असुर आते थे, तो उनसे कन्हैया की नजर उतारने के लिए गाय माता का गोमूत्र से स्नान कराती थी कन्हैया। कन्हैया को ने परमात्मा भगवान और ये यशोदा मैया भगवान को किससे स्नान करा रही है? गाय के गोमूत्र से। गोमूत्र की इतनी महिमा कैसे बढ़ गई भाई कि भगवान गोमूत्र से स्नान कर रहे हैं। आज भी हवन में पंडित जी लोग गोमूत्र मंगाते हैं और उस वेदी पे छिड़कते हैं। तो ऐसी क्या बात है? तो हमने अपने गुरुजी से पूछा बरसाने वालों से और स्वामी रामचंद्र जी ऋषिकेश वालों से, तो उन्होंने कहा कि जब गायें बनी थी, पहले जब गाय का निर्माण हो रहा था, तो भगवान उसके हृदय में आकर के बोले कि यहाँ मैं स्थान लूंगा। भगवान को देखते थे सबको लगन लग गई, अरे जहाँ हमारे श्री नारायण है वही हम भी रहेंगे। तो कोई गाय की आंख में बैठ गया, कोई उनके खुर में बैठ गया, कोई उनकी पीठ में बैठ गया। ऐसे 37 कोटि देवी देवता गाय के अंदर विराजमान। बोलो 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 गौ माता की। अब सारी सीटें भर गई, दो देवियां रह गई, एक तो रह गई श्री लक्ष्मी महारानी। थोड़ा थोड़ा जो बड़े लोग होते ना कथा में भी देर से ही आते हैं, बोलो राधे राधे, वो थोड़ा सजने समझने में टाइम लगता है। तो लक्ष्मी जी देर से आई आई और बोली बोली ब्रह्मा जी हमें भी स्थान दो लक्ष्मी जी में। लक्ष्मी जी बोली कि भाई मैं उन्होंने सोचा कि नारायण तो है ही मेरे, जगह वो ले ही लेंगे। बोले देखिए देवी अब कोई जगह बची नहीं है। बोले ऐसे कैसे कैसे, जब मेरे पति यहाँ विराजमान है गाय के अंदर तो मुझे भी जगह चाहिए। बोले देवी क्षमा करना आपको बुरा नहीं लगे, केवल गाय का गोबर बचा हुआ है तो गोबर में रहना चाहेंगी? तो इतनी बड़ी देवी लक्ष्मी जी ने हाँ कर दिया कि मैं आज से गाय माता के गोबर में ही वास करूंगी। तो जिसके यहाँ कच्चा आंगन, पहले कच्चे आंगन होते थे ना, तो देसी गाय का गोबर का लीपन होता था, कितना अच्छा लगता था, वहां सुख शांति आती है। गाय जहाँ बंधती है तो गाय के जो धूल होती है उस धूल को कोई माथे से लगाए उसका कारण सिद्ध हो जाता है। लेकिन वो गाय कौन सी होनी चाहिए? बोलो बोलो देसी गाय, चाहे लाल हो काली हो सफेद हो, लेकिन उसके कमर के ऊपर क्या होना चाहिए? क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में? भगवान शिव जी का, शिव जी का शिवलिंग समझ लीजिए। देखो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ाते रहिएगा अच्छे से। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो गोबर में कौन बसी? और गौमूत्र बचा। तो गंगा मैया भी देर से आई। गंगा मैया ने कहा कि हे ब्रह्मा जी मैं तो पापियों का पाप धोती हूँ, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई, मेरे लिए कोई जगह है? बोले गौ माता का मूत्र बचा हुआ है, अगर बुरा न मानो तो। बोले कि नहीं, मैं आज से गाय माता के मूत्र में वास करूंगी, कोई भी हवन होगा यज्ञ होगा वहाँ गौमूत्र का छिड़का जरूर कराया जाएगा। तो इतनी महान हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में गाय है, इसलिए उसको माँ कहा गया है। बोलो गौ माता की। इसलिए हम आपसे निवेदन करें पहली रोटी गैया को जरूर दिया करो, केवल गाय की सेवा करने से सब कुछ मिल जाएगा, जो चीज चाहिए जिसकी जो भी इच्छा है वो लिख लो अपनी, और गाय की सेवा में आज से ही लग जाओ, उन्हें हरा चारा खिलाओ,
बुधवार को तो हर किसी को हरा चारा का दान करना चाहिए। बुधवार हरे रंग की चीज का दान करने का समय और गायों को खिलाने लगे। काली गैया हो, सफेद हो, लाल हो, भूरी हो, तो अब आप समझ गए भगवान श्री कृष्ण को मैया गोमूत्र में स्नान करा रही हैं। अभी तो डॉक्टरों ने ही नहीं उस गोमूत्र के द्वारा गोमूत्र को उबाल उबाल करके जो देखिए कुकर होता है ना कुकर प्रेशर कुकर उसमें गोमूत्र को डालो 2-2.5 लीटर और उसकी ऊपर की सीटी हटा दो उसमें एक लाइट लगा लो और उसे उबालो तो उसकी वाष्प एक बोतल में इकट्ठी कर लो कांच की में तो वो हो जाएगा अर्क। उस अर्क को पीने से अंदर की सारी बीमारियां चली जाएंगी। जिनको दर्द की बीमारी है ना वो करके देखो शरीर में कहीं भी दर्द हो दर्द ठीक हो जाएगा घुटने भी ठीक हो जाएंगे। केवल इतना सा हमारे ऋषि मुनि गौमूत्र का पान करते थे और तो और राम जी के भैया भरत जी जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो हमने संतों के मुख से सुना है भरत भैया ने राजपाट का त्याग कर दिया राजगद्दी पे किसको बिठाया भगवान की चरण पादुकाओं को रखा और अपने आप धरती में 8-9 फीट का गड्ढा बना करके वो रहने लगे। जब उन्हें भूख लगती थी तो गौमूत्र के में दलिया उबाल करके खाते थे बताइए अपनी जीव को सब स्वादों से ताला लगा दिया। कितनी बड़ी तपस्या कोई कर नहीं सकेगा आजकल कि गोमूत्र में 14 वर्ष तक जो है दलिया उबाल उबाल करके पीते रहे न कोई स्वाद का पता बस राम राम जप रहे राम राम। इसलिए राम नाम से बड़ा भरत नाम राम जी ने स्वयं कहा है अयोध्या कांड के लास्ट में कि मेरा भरत का नाम मेरे नाम से भी बड़ा है। भगवान से बड़े भगवान के भक्त होते हैं। तो माता बहनों अजवाइन का उपाय भी मैंने बताया अजवाइन हींग नमक मसल करके खा लीजिए भोजन के बाद में। आज खाया किसी ने नहीं खाया ना अभी कहते हैं हम तबियत खा लेते तो लाइट नहीं भागती। हरे कृष्णा बोलो आगे तो जी हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 जय श्री राधे बोलो राधे राधे। आइए गोविंद का एक कीर्तन गाते हैं बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय। सब बोलो भाई बच्चे लोग आप तो बच्चे दिख रहे हो बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोली गोपाल भगवान की। अब भगवान अपनी गायों का दूध पीते हैं दही खाते हैं मक्खन चुराते हैं। तो भगवान के मन में आया कि देखो ये धरती भी हमारे अवतार की प्रतीक्षा करती है और बड़ी भयभीत है कंस के अपराधों से। तो पहले आज मैं मिट्टी को खा करके इसको आश्वासन दे दूं। अरे भाई भगवान जिस चीज का भोग लगाते हैं वो क्या बन जाता है प्रसाद बन जाता है। तो हमारा जो ब्रजमंडल है 84 कोस का है एक कोस में 3 किलोमीटर गणित जिसका अच्छा हो वो बताइए 84 गुना 3 कितने हुए
इतने किलोमीटर का हमारा वृंदावन ब्रजमंडल है, बताइए कितने हुए? 252 किलोमीटर का चक्र जो है वृंदावन का एरिया कहलाता है। आप सब लोग आना वृंदावन में, हमारा नंबर वंबर इससे कार्ड पे लिखा है, आप आओगे तो आपके रहने रुकने ठहरने खाने पीने की सब व्यवस्था है वहां पर, जितने दिन के लिए आना है आइएगा। और हमारी उपस्थिति वहां हुई तो हम आपको दर्शन भी कराएंगे, जहां 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 मीरा जी का मंदिर है, जहां पर हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो 84 कोस में भगवान ने गांव गांव में अलग अलग लीलाएं की हैं। वृंदावन को समझने के लिए एक दिन से काम नहीं चलता, बहुत से लोग आते हैं एक दिन के लिए आए, एक दिन में क्या मिलेगा, कुछ दिन के लिए आई, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 दिन के लिए आई, एक हफ्ते के लिए आए तो बहुत अच्छी बात है, 15 दिन के लिए आए तो क्या कहने, और 1 महीने के लिए आए तो फिर यहाँ आ ही नहीं पाओगे, ये तो वहीं के बन जाओगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। 1 महीना कोई वास कर लेना वृंदावन में, फिर उसको संसार में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसा वृंदावन धाम है। तो भगवान ने मिट्टी खाई है, और भगवान के बड़े भैया कौन है, बलराम जी ने देख लिया, बोले कन्हैया तैने माटी खाई, अब बोले कैसे, मुंह में माटी का डला भरा हुआ है, बोले मैंने नहीं खाई, बोले अभी मैया से बताऊंगा जाकर। तो कन्हैया ने कहा बताएगो तो हम भी बता देंगे, दाऊ जी ने भांग खाई थी, बोले राधे 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 राधे, बोले अच्छा तेरी भी चुप मेरी भी चुप, लेकिन सखा खा तो चुप हो गई, लेकिन गोपियों ने बता दिया अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई जशोदा सुन माई। हाथों की तालियां, ये हाथ भगवान ने दिए तो ताली की सेवा करेंगे ऐसे, तेरे लाला ने माटी खाई जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई जशोदा सुन माई। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरत शाम ने मुख में मेलो, तुरत शाम ने मुख में मेलो, ओ याने गटक गटक गटकाई जशोदा सुन माई, याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। ताली की ऐसी आवाज होनी चाहिए जो आपको अपनी ताली की आवाज आए, देखो आपको आ रही है क्या आपकी ताली की आवाज, ओ तेरे लाला ने माटी खाई जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। भजन समझ में आ रहा है ना, ब्रज भाषा का है, भैया पूछ रही है छोला लाला।